अधिवक्ता संघ बाड़मेर की ओर से जोधपुर के अधिवक्ता जुगराज चौहान की नृशंस हत्या के विरोध में न्यायिक कार्य स्थगित रखा गया। अधिवक्ताओं द्वारा स्वेच्छा से पिछले 8 दिनों से न्यायालय में अपनी उपस्थिति नहीं दी गई। घटना को लेकर अधिवक्ताओं में भारी रोष है और अधिवक्ताओं ने प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने एवं अधिवक्ता जुगराज चौहान के परिजनों को आर्थिक संबल प्रदान करने की मांग को लेकर सोमवार को कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया और मानव श्रृंखला बनाकर मांगे माने जाने की अपील की। राजस्थान के जोधपुर में 18 फरवरी को अधिवक्ता जुगराज चौहान की सरेआम हत्यारों द्वारा निर्संग हत्या के विरोध में राजस्थान के समक्ष अधिवक्ता इन दिनों प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदेश बार एसोसिएशन के आह्वान पर अधिवक्ता संघ बाड़मेर में भी प्रदर्शन किया जा रहा है। बाड़मेर अधिवक्ता संघ की ओर से पिछले 8 दिनों से न्यायिक कार्यों का बहिष्कार किया गया। वहीं मांगे नहीं माने जाने पर अब बार एसोसिएशन का विरोध प्रदर्शन और तेज होता जा रहा है। रविवार को जोधपुर में अधिवक्ताओं की महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्थान के सभी अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों ने भाग लिया। इस महापंचायत में सर्वसहमति से निर्णय लिया गया कि जब तक विधानसभा में अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम पारित नहीं हो जाता, तब तक राजस्थान के सभी अधिवक्तागण अनिश्चित अवधि के लिए न्यायिक कार्य का स्थगित रखेंगे और न्यायालय में अपनी उपस्थिति नहीं देंगे। महापंचायत में निर्णय के बाद सोमवार को अधिवक्ता संघ की मीटिंग लाइब्रेरी हॉल में आयोजित की गई। प्रवक्ता गौरव खत्री ने बताया कि बैठक में सभी अधिवक्ताओं ने स्वेच्छा से अधिवक्ता अधिनियम लागू नहीं होने तक न्यायिक कार्य नहीं करने व न्यायालय में उपस्थित नहीं होने की शपथ ली। अधिवक्ता संघ की मीटिंग में पूर्व अध्यक्ष एवं सीनियर अधिवक्ता धनराज जोशी, रूप सिंह राठौड़ एवं कर्णाराम चौधरी ने भी संबोधित किया। हमारे राजस्थान पूरे में अधिवक्ताओं के साथ आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है, मारपीट भी होती है और वकीलों को परेशान किया जाता है, तब उनको आत्महत्या तक भी करना पड़ता है। और आपने देखा हो तो राजस्थान सरकार ने गोवर्धन सिंह नाम के एक व्यक्ति हमारे अधिवक्ता को बिना कारण ही जेल में डाल दिया और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री के गृह नगर में सरेआम खुले दिन और मार्केट के अंदर एक वकील जिस अपने पुत्र की हत्या के बारे में पैरोकारी कर रहा था, उसका अपराधियों ने खुलेआम उसका हत्या कर चाकुओं से घोंध कर उसकी निर्मम हत्या कर दी। वकीलों में ये आक्रोश है कि जब तक वकीलों का संरक्षण नहीं हो, प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं हो, राजस्थान सरकार में ये जो एक्ट बनाने के लिए जो प्रारूप बना हुआ है उसको विधेयक के रूप में पारित नहीं करें, तब तक हम वकील लोग में भयंकर आक्रोश है और हम चाहते हैं कि उस नियम को लागू किया जाए जिससे वकीलों की जान की सुरक्षा हो और न्यायिक कार्यों में भी वकील अच्छी तरह से पैरोकारी कर सके। इन्हीं मांगों को लेकर हम सभी आंदोलन है और जब तक ये मांग हमारी नहीं होगी पूरी, तब तक हम हड़ताल भी करते रहेंगे, जरूरत पड़ी तो राजस्थान विधानसभा का घेराव भी करेंगे। तो पिछले कितने समय से ये चल रही है? 18 फरवरी से ये मामला चल रहा है और निश्चित रूप से सरकार में ये बात पहुंच भी चुकी है कि आए दिन अपराध बढ़ाने वाले लोग हैं, उनको जो संरक्षण दे रहे हैं, चाहे उसमें किसी भी पार्टी के राजनेता हो, उनका भी खुला हिसाब मिलना चाहिए और जो वकील बंधु पैरोकारी करते हैं उनको संरक्षण, उनकी जान माल का, उनके परिवार का संरक्षण होना चाहिए। यही मांग लेकर हम हड़ताल पर। बैठक में अधिवक्ताओं ने मांगे नहीं माने जाने पर आंदोलन तेज करने की बात कही। बैठक के बाद अधिवक्ता संघ अध्यक्ष माधो सिंह चौधरी के नेतृत्व में मानव श्रृंखला बनाकर कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर प्रदर्शन कर विरोध जताया गया। मानव श्रृंखला व प्रदर्शन के बाद अध्यक्ष माधो सिंह चौधरी के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान अधिवक्ता संघ बाड़मेर के समक्ष अधिवक्तागण उपस्थित रहे।